गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की सुबह लेकर फिर से आपके साथ हम भी हाजिर हैं, आपका अपना भाई महेंद्र प्रताप। हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप क्या कर रहे हैं? आप लोग बढ़िया हैं, मुझे मालूम है। आप सब ठीक हैं, खुश हैं? और क्या चल रहा है आप लोगों को नए दिन के लिए? आज क्या सोचे होंगे, नए सवेरे के साथ, नए ताजगी के साथ, अपने नए जोश के साथ आप लोग नए दिन की शुरुआत करें अच्छे से, जिसमें हमें पूरी कामयाबी पूरे दिन के लिए मिले और अपना काम भी पूरा अच्छी तरह से हो जाए, ताकि हमें महसूस भी ना हो कि नहीं हमारा दिन पूरा ख़राब निकला। और बाकी अब क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बढ़िया है, महसूस तो होगा सुंदर, क्योंकि वॉक के टाइम सुबह में आप लोग चल रहे होंगे, तो आप लोगों का भी अच्छा होगा और हमारा भी अच्छा है, क्योंकि गुड मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा मौसम, ऐसा समय होता है सुबह में कि हर लोग चंचल हो जाते हैं। मतलब हर लोग को महसूस होता है कि हम फ्रेश हैं, ताज़ा हैं। इसलिए आप सबको नए दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि पूरा दिन मंगलमय चले फिर, और सारी ताजगी आपको भर दे नए सूर्य के नमस्कार से। और घर परिवार में सब लोग अच्छे हैं, भले हैं, तो ठीक है। फ्रेंड, हम तो वॉक कर रहे थे, आपसे बातें भी कर रहे हैं, हम भी ठीक हैं, आपको पूरी तरह से दिखा दे रहे हैं। इधर भी क्षेत्र भी हमारा, अब देखिए धान की फसल, हमारे गांव वाले भाई तो सब लोग जानते ही हैं, और कटाई पिटाई भी कर रहे हैं वो लोग। और जो हमारे शहर के हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गाय हैं, जो वो लोग थोड़ा नहीं समझ पाएंगे कि नहीं ये क्या चीज़ है, और बाकी तो सबको पता ही है कि ये खेत में क्या लगा है। इधर आइए, टहल के थोड़ा और दिखा देते हैं। अब देख सकते हैं इधर जो खाली इधर गांव है ना, गांव से बाहर है ना, उधर थोड़ा सा मकान एक दो ठो बना है, वहाँ कोई रास्ता भी नहीं है, यहाँ बस बन गया है इसी तरह। ठीक है फ्रेंड, आपको और दिखाते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। सब गाइस टहल के थोड़ा थक गए थे, तो इसलिए थोड़ा सोचे आराम कर लें और आपसे बैठ कर बातें कर लेते हैं दो चार बातें। सब गाइस, आपके यहाँ ठंड तो बढ़ गई होगी? हमारे यहाँ तो बढ़ गई अधिक, क्योंकि आप लोग देख दिखाते हैं, ये देखिए चादर साल सब ओढ़ के जा रहे हैं लोग, सब देख सकते हैं। हम अपना प्रमाण नहीं देंगे, हम तो मतलब अंदर से जो पहनते हैं ना वो पहने हैं। और क्या नाम है कि ठंड इधर है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा अभी महसूस कर रहे हैं हम लोग, बर्दाश्त कर रहे हैं, थोड़ा अभी युवा टाइप है इसलिए। और जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपसे आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ का आप दिखाइए, अरे बताइए कि हमें वहाँ ठंड कितना है, ज़्यादा है, कम है। लेकिन अब ठंड बढ़ गई है, अब तो रोज़ बढ़ेगी, क्योंकि दीपावली बीत गई है। अब दीपावली से छठ हो, जो छठ का त्यौहार आता है, सो जानते होंगे आप लोग, जानते होंगे छठ के त्यौहार पे जो ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि रात तक वहाँ लोग आते हैं पानी में से, सुबह में जाते हैं फिर, तो वो बहुत ज़्यादा पहनना ओढ़ना पड़ता है और पानी में भी जाना पड़ता है, उन लोगों को बहुत कष्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को कष्ट वाला त्यौहार है पानी में, जो हमेशा गंगा जी में बैठ, चाहे पोखरा तालाब जो भी है वहाँ वो लोग रहते हैं, और पानी में उतना टाइम बिताना पड़ता है। तो सगाई थोड़ा हल्का ठंडा रहता तो उन लोग को अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, सब कहानी है जो मौसम का, जो मौसम जैसा दिखाएगा वैसा करेगा, वैसा करना ही पड़ेगा। तो आज के साथ हमारे बने रहिए, और मॉर्निंग वॉक में ऐसे ही वीडियो दिखाते रहेंगे आपको। आइए दिखाते हैं थोड़ा घर में क्या हो रहा है, तो उधर वॉक करके टहल लिए हैं, बाकी आपसे बातें करेंगे।
ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड इस वक्त फिर आज देख लीजिए पुराने घर पे हम आ गए हैं। देख सकते हैं ये हमारा पुराना मकान है जो पहले यहाँ रहते थे हम लोग। मैं भी समय फिलहाल में कम रहते हैं, फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ का लोकेशन। आ जाए थे फिर से, कभी कभी यहाँ कुछ लेना देना पड़ता है तो यहाँ भी सामान हमारा है, तो यहाँ भी आते हैं हम लोग। देख सकते हैं आप, ये देखिए इधर से करकट ये मकान पूरी तरह से, ये गाड़ी सारा सिस्टम अभी है यहाँ, लेकिन आते जाते कम है। ये देखिए हमारी लड़की है, हाँ बैठी है। हम लोग जाएंगे हम नए वाले घर पे फिलहाल में, लेकिन आ रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ आए थे कुछ काम से। और ये इधर बाहर का लोकेशन दिखा देते हैं, ये बाहर वाली गली है जिससे आए थे। ये सीढ़ी है, यहाँ से जा रहे हैं हम। अब देख सकते हैं इस समय हम छत पे आ गए हैं। यहाँ का छत है जो हमारा अंदर गांव में घर है। देखिए सोलर वोलर दिखाए थे आपको पहले भी, ये डीटीएच ओटीएच यहाँ भी लगा है, डीटीएच यहाँ सारी व्यवस्था है अभी, लेकिन रहते हम लोग कम है। ये पीछे का देखिए सीन दिखा दे रहे हैं, ये भैया का भैंस है और यहाँ रहते हैं लोग। बाकी आपको दिखाते हैं, ये देखिए दो तल्ले वाला मकान है यहाँ। ठंडी की वजह से गला भी खिचखिच है, इसलिए बोल भी नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ का लोकेशन आपको दिखा दिए हैं, बाकी आपको दिखाते हैं रास्ते में। इधर नहीं दिखाए थे, सामने जो है नकखन्नी है, उसको नकखन्नी बोलते हैं, पास से दिखा देंगे। देखिए फ्रेंड, इसी को बोलते थे नागफन्नी, यही है, पास से दिखा दे रहे हैं आपको। ऐसा आप लोग पेड़ हर लोग नहीं देखे होंगे। सकते हैं नागफन्नी का पेड़। फ्रेंड इस समय इस घर से हम लोग जा रहे थे पुराने वाले से नए पे, और ये देखिए महिमा भी साथ में, लेकिन आज भी देखिए ये दिया लुट रही है। क्या है दिया? दीपावली वाली दिया आज भी लुट रही है, बताइए। दीपावली भी तो 3-4 दिन हो गए हैं, फिर भी ये दिया चक्कर में पड़ी अभी है, आप देख सकते हैं। बताइए, इनका मन है अभी कई दिन तक दिया बटोरने का। ठीक है फ्रेंड, आगे आपके और मिलाते हैं। उधर से आपको दिखा दे रहे हैं हमारे घर का नजदीक आ गए हैं इस समय, देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं, बस लंबा करेंगे और जो मार्जिन बताते हैं तो ठीक है। तो गाइस जब इस समय हम नहा धोके फ्रेश होकर रेडी होके नाश्ता पानी सब कर लिए हैं, अस्थाई हो गए हैं, अब जाएंगे दुकान। और आज का ब्लॉग हम इतने पे छोड़ देते हैं, आज के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी ब्लॉग बनाएंगे। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए हमें बार बार शुक्रिया और धन्यवाद हम देते रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारा ब्लॉग देखते हैं और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, ताकि हम आपके कुछ हम सामने करके दिखा दें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी जो है दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोज़ ब्लॉग वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।